वाहे गुरु हमें अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत धारा स्यो प्रीत लगाही। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार अजमत बख्शिश, टलदी शाम ते खास करके गुरपुरब दी शाम, आप गुरु हजूरी नूं माण रहे हो, वड भागता है। गुरबाणी कीर्तन आप स्रोत पा रहे सी, कीर्तन दी चौंकी संपूर्ण होई। हुण सानूं समा बनिया है, असी कथा विचार दे नाल सांझ पाईए जिस गोचरे। वैसे तो लड़ीवार असी सूरज प्रकाश रचना विचारते हाँ, कविराज कवि संतोख सिंह चूड़ामणी जी द्वारा रचित रचना, पर क्योंकि अज चौथी पातशाही सोढ़ी सुल्तान धन गुरु रामदास महाराज उन्हां दा प्रकाश पुरब है, सो समय मुताबक अज गुरु रामदास महाराज जी का जीवन, उन्हां दियां जीवन रिश्मा सिख्यावां उपदेश ते जो उन्हां दे जीवन ते उन्हां दी सिक्ख्या विच्चों साडे लई अज दे दौर दी सिग्निफिकेशन आ, जिहड़ी साडे लई अज प्रेरणादायक, जो सानूं इंस्पिरेशन है, असीं उहदे उत्ते कुछ बात करन दी कोशिश करांगे। सो जितने कि जी हाज़रीन हो, जे मेरी आवाज़ आप सुन सकदे हो, ते आओ मन बिरतियां एकागर करिए। एक वार यक आवाज़ सुनदियां आवाज़ आए फतेह देनी, ताकि असी विचार प्रारंभ कर सकिए। कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो यह है कि जो भी कोई गुरपुरब हुंदा तो गुरु महाराज के बाबत कुछ उन्होंने जीवन उन्होंने उपदेश की कुछ बात करनी होए तो मुजदने वर्गे मनुख लई बड़ा वड्डा डायलेमा हो जाता, कितों शुरू कराँ तो किस बात पर आवं। जिमें फकीर मल्ला यार खां जोगी का बचन आ, वो कहिंदा है कि एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मझधार को या लहर को देखे। एक बड़ा वड्डा ठाठा मारदा समुंदर है, तो उस समुंदर के कंढे ते एक बहुत जड़ा हवा ते पानी दे सुमेल नाल बनी हुई झग, ते झग दे विच एक छोटा जिहा बुलबुला है, तो उस बुलबुले दे छोटे जे बबल दी एक छोटी जी अख आ, तो उस अख नूं कोई आके पुछे तू मैनू समुंदर बारे दस, तू मैनू इस सारे बारे दस, वो की बयान करेगी। कहिंदा एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को जड़ा वो सैकड़े मील तक पसरिया होया बीच आ, उहदी खूबसूरती है, उहदा जो सारा कुदरती दृश्य आ उहनू बयान करे हो, साहिल को मझधार को या जिन्नी वड्डी गहराई है उस समुंदर दी उहनू बयान करन दी कोशिश करे, या लहर को देखे या उहदे च उठ रहीआं जिहड़ीआं वेव्स ने उहनां नू उचित्रित करन दी कोशिश करे। सो इही बात आ, गुरु महाराज का जीवन, गुरु महाराज दीआं नवाजशां इन्नीआं वड्डीआं ने, मुझ अदने दी जबान की बयान करेगी उसनू। वड्डिआं दे बाबत छोटे बात नहीं कर सकते, पर गुरु तरस करे कुछ रंग असीं उहनां दे जीवन दे मानण दी कोशिश करिए। मैं भट्टां दे सवैयां ते गल शुरू करदा, क्योंकि उहनां तों वधिया कोई गुरु महाराज नूं ट्रिब्यूट नहीं कर सकता। बड़ा कामल वाक आ भट्ट साहिबान दा, उह कहिंदा जिहें सतगुर सिमरंत नैन ते तिमर मिटै खिन, जिहें सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जिहें सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जिहें सतगुर सिमरंत हृदय सिर हृदय हर नौ निद पावै, सुई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਨੈਣ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਿਮਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਫੈਲ ਜਾਣਾ, ਮੁਰਾਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਡੇਲੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਫਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਧਨਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਈਵਨ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਲਿਮਿਟ ਫੋਰ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਬਾਲਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਨ ਡਾਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਚੈਲੇਂਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਐ ਫੀਲਿੰਗ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਵਈਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਖਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚੈਲੇਂਜਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਆਸਕ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਸੀਨ ਐਨੀ ਮਿਰਾਕਲ, ਐਨੀ ਮਿਰਾਕਲਸ ਥਿੰਗ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੋਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਟਲੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਸਲੈਂਗ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਚੂਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋਕ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਫ ਬੋਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਾਰਨ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬੀਬੀ ਅਨੂਪੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਹੈ,
उतों पता लगता है कि बच्चे की अख के रोशनी बहुत थोड़ी जी होंगी है, बड़ी थोड़ी दूर तक देख सकता जिहड़ी पहचान आनी अख दे विच किसी बहरूनी शरीर की किसी बहरूनी चेहरे की वह बहुत देर नाल आउंदी है। बच्चे दे विच सब तो पहला जिहड़ी सेंस काम करती वह पता कि स्पर्श टच इस ये सब तो पहला आता। आम करके मावां देखदियां जिस जिन्हां हत्थां दे विच बच्चे नूं दुध दिता जाता है जिन्हां हत्थां दे नाल बच्चे दे डायपरस वगैरह चेंज किए जाते हैं तो मोस्टली बच्चा थोड़े बड़ी जल्दी उन्हां बच्चों नाल उन्हां हत्थां नाल फैमिलियर हो जाता है तो मावां कहिंदियां ने हत्थ पछाणन लग गया हुण मेन इहनूं स्पर्श का पता लग गया उस रूप दे विच। अच्छा तवारीख यह कहिंदी है कि इस बाल वरेस मडोली जो बाबा अरदास जी दे ग्रह विखे जो माँ अनूपी दे ग्रह विखे आमद लैंदा है इहदी अख ने अजे माँ का चेहरा नहीं पछाणिया, इहनूं इह नहीं पता लगा मेरी माँ किवें दी दिखदी होएगी, मेरी माँ का रूप स्वरूप की होएगा, मेरी माँ की शक्लो सूरत कैसी होएगी। उस तो पहला ही कुदरत ने इस बच्चे को माँ लै ली। बचपन का वह हिस्सा जिदे जिदे माँ का स्नेह वेखना सी, प्रीत देखनी सी, माँ तो सारे जीवन का यापन चलना सीगा, उदों माँ चली गई। असी जदों इस संसार विच अज दे संसार विच रह रहे हाँ तो मनिया जाता आ जदों माँ गुजरती है कल्ली माँ नहीं गुजरती, इत्थे सिंगल पेरेंटिंग का असी सिस्टम देखते हाँ सारे रूपां दे विच ते उहदे च मनिया जाता कि जदों माँ गुजरती है तो माँ नहीं कल्ली गुजरती बल्कि बच्चे की हर कोमल कला नाल चली जाती है, उहदे अंदर जिंदगी नूं अहसासण दी समझण दी उह चीज़ां दूर चलियां जांदियां। असी फोस्टर केयर च पलदे हुए बच्चे देखे ने उन्हें च एक अजीब तरह की फ्रस्ट्रेशन जन्म लेंदी है, अजीब तरह की उन्होंने एक जिहड़ी है दुनिया के प्रति नफरत आले दुआले के प्रति नफरत। क्यों? क्योंकि मैनू की दिता मेरी मेरे को मेरी माँ ही खो ली, मेरे को मेरी माँ का स्नेह लै लिया, मैं दुनिया नू क्यों मैं दुनिया नू क्यों प्यार करा, मैं दुनिया नाल कोमलता दे विच क्यों वरता। इथों इस बाल वरेस का जीवन प्रारंभ हो रहा इस रूप दे विच। तुसी देखो यार चैलेंजेस की होंदे ने। इत्थे मैनू याद है UFT दे विच गेम हो रही सी ते जिहड़ा अर्ली मॉर्निंग शो हुंदा CBC दे उत्ते ते होस्ट नू इंटरव्यू करन लगा ऑन एयर तो उन्हें पुछदा कहिंदा वी तेरी अज बड़ी वड्डी गेम आ ते यू मस्ट बी अंडर स्ट्रैस तू स्ट्रैस च होएगा ते वह हस पिया कहन लगा यू गाइज आर नॉर्थ अमेरिकन आर टोटली यू कैन से हैव वेरी यू कैन से टिकलिश क्वेश्चन। वह कहता तुम ना बड़िया एवं मतलब गुदगुदियाँ जी करने वाले सवाल पूछ लेंगे हो। वह कहता वह की मतलब कहता तुम जो स्ट्रैस कह रहे हो स्ट्रैस का मतलब तुम्हें पता की होंगे? कहता गेम आ फन आ इंजॉय करना ये स्ट्रैस वाली कि गल है स्ट्रैस तो कहते मैं तेन दसदा। वो फिर अपने कहते मैं अफ्रीका तो फलां जगह तो आया वहाँ तो मैं दसदा स्ट्रैस की है। कहते मेरे बैको फैमिली है मेरा अंकल है घर के 16 to 17 जी ने उन्हें 16-17 जियां नूं कल रोटी मिल गई सी खाने वास्ते अज पूरा दिन उन्होंने को रोटी नहीं खाने वास्ते उन पेट तो भुखे ने घर के कोई एक दो बीमार बैठे ने उन्होंने कोई दवाई मुयसर नहीं कुछ उन्होंने पुछो। स्ट्रैस ये होंगे जिंदगी का जिथे जिंदगी दियां लोड़ां थोड़ां की पूर्ति नहीं होंगी जिथे स्ट्रगल होंगी जिथे सब चीज़ां सानू तो माड़ी माड़ी गल तो असं एवं कहें एदा स्ट्रैस भलिया स्ट्रैस का एहसास तो कर की है। इतने देखो तुम जिहड़ियां अखां च जाले असी पाए असी आले दुआले नू देख के माड़ी माड़ी चीज़ तो घबरा जाते डर जाते सब चीज़ा भलिया इहो जी गुरु हस्ती तेरे सामने बैठी तेरे सामने वह हस्ती ने जीवन जिया उन्हें जीवन वह कुछ प्राप्त करके विखाया जिदे बारे कोई ख्वाब भी नहीं लै सकता। वह गुरु रामदास महाराज अजे बचपन प्रारंभ नहीं होया माँ की पहचान नहीं आई माँ गुजर गई है पर कोई गल नहीं पिता है बाबा हरदास जी ने उन्हें कहा कोई ना इन बच्चे तो माँ कुदरत ने लै लीए मैं यदी माँ भी बनागा यदा पिता भी बनागा मैं इसनों हुण जिंदगी का कोई दुख कोई उस रूप में तकलीफ नहीं आने देवगा जिहड़ी माँ के होंदिया सुंदिया नहीं सी आनी चाहिए माँ के ना होने करके हुण आ सकती है मैं उन्हों रोकांगा मैं ये वास्ते सब चीज़ें इंतजामियत करांगा। जीवन अपनी जाचे अगे वधना शुरू होया। तवारीख यह कहिंदी है कि एक रोज़ बाबा हरदास जी किसी विद्यालय दे विच उस जमाने दे विच जिस किस्म दा स्कूलिंग दा सिस्टम हुंदा सीगा उत्थे किसी उस्ताद दे नाल गल करके आए क्योंकि इंडिविजुअल लैवल ते लोकी स्कूल रन करदे सीगे तो उस उस्ताद कोलों जाके पुछ के आए कि मेरा बच्चा आ ते मैं उहनूं इत्थे एडमिशन दवाउणा आ ते मैनूं उहदी बच्चे दी स्कूलिंग दा फिकर आ। तो कहिंदा ठीक है तुसीं इत्थे भेज दिओ पढ़न वास्ते। सारी गलबात करके वापस आए आ के इस बाल दे नाल जिहदी कोई उम्र हुण गालबन कोई स्कूल जाण वाली हो गई है तो उसनों आ के बात करदे कहिंदे पुत
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਖੂਬ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਪੜ ਥਾਪੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਝੂਣਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਉੱਠੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣ, ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲਾਈਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਅਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟਾਏ ਖਿਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਮਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇਰੀ ਅਮੂੜਤਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਉਸਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹਾਜ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਜੀਆ, ਨਿਭਾਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਿਭਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਤੜਪਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਛਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੂਟਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਹੈ ਬਸਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੈਂ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨੜੋਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਸੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਤਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਿਹਾਰ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਆਖਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਠਾ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੱਚਾ, ਜੇਠਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਨਾਮ ਅਜੇ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਈ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਨਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਇਸਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਨਾਥ ਰੂਪ। ਦੇਖੋ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਆਹ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬਾਲੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਰੀਖੀ ਬੋਲ ਇਹ ਨੇ, ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਦਾਸ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੰਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਬਸਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਈਏ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਾ ਬਣਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟਅਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਕਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਵਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵਨ ਅਸ, ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਵਰ ਅਮੇਜ਼ਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਆ, ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਬਣੇ ਨੇ ਖੂਬ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਟੂ ਦਾ ਮੈਕਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਾਰਵਲਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਬੱਚਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਅਦ ਤਰਤੀਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਰੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਮੀਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਰਾਊਨ, ਬਲੈਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਕਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਾਰਵਲਸ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਰਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਨ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਓਸ਼ਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਰਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਸਹਿਤ, ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਲਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 95% ਰਾਗ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ,
जे राग गौड़ी है तो गौड़ी दे च पूर्बी है दखणी है, तुसी देखो किस रूप दे विच फिर दो दो राग कितने मर्ज कर दिते ने एक दूजे दे विच, उस ढंग दे नाल बयान किया। सो ये सारा पूरा पूरा खजाना जे आपां इस सारे दे वल देखिए तो फिर आ जाइए असी गुरु रामदास साहब दे जीवन वाले पासे। गुरु अमरदास महाराज जी दे समय तक जिहड़ी बाणी रागां विच सीगी उह पता किन्नी सीगी, 19 रागां च बाणी मिलदी है सानूं, 19 रागस दे विच। अज गुरु ग्रंथ साहब च राग ने 31, जिहड़ा 19 तों 31 दा सफर है ये कदों तय हुंदा है, कदी ध्यान नाल देखिया जे। मतलब जिस बच्चे नूं माँ दा प्यार नहीं मिलिया, पिता ने स्कूल भेजना सीगा उस तों पहलां ही उहदी मौत हो गई, गुजर गए, अनाथ हो गया, उसनू गरीब नानी बसर के ले आई, वह नानी जिदे अपने गुजर का कोई टिकाणा कोई थौ निगा पता नहीं, सवेरे रोटी मिल गई शामी मिलनी है कि नहीं मिलनी, पर हुण इस बच्चे नू ते भुख लगती, इहनू ते पालना आ संभालना आ। उस नानी ने बुजुर्ग माँ ने उन्हें कहा चलो फिर कुछ ना गुजारे वास्ते कुछ ना कुछ जरिया बनाउनी आ, जरिया की बनाया, घुंगणियाँ उबालनियाँ, घुंगणियाँ उबाल के छोटे जे छिकू जिहड़ा तूत दीयां छटियां दा बनिया हुंदा है उहदे सिर दे उत्ते जिन्हों पंजाबी इन्नू कहिंदे हो, इस तरीके नाल बनाया हुंदा कपड़े जे दा, वह बना के रख के सिर दे उत्ते उहदे उत्ते छिकू टिका देना ते उसनू बसरके दीयां गलियां च भेज देना भी जा पुत घुंगणियाँ वेच के लैके आ, दो पैसे आउणगे उन्हां दे नाल अगला अनाज खरीद के लियावांगे घुंगणियाँ नैक्सट डे वास्ते, जिहड़ा बचेगा विच्चों जिहदे च साडी मेहनत तेरी ते मेरी जिहड़ी मेहनत है उजरत दी उहदे विच्चों असीं कोई घर दा चुल्हा जलावांगे कुछ रोटी पानी उहदे विच्चों चलावांगे। वह बच्चा जिहदी हत्थ च कलम फड़ी होनी चाहीदी, जिसनू कोई साज वजाउण वास्ते देना चाहीदा, जिहड़ा कोई गीत संगीत सिखदा कोई खेडदा गली महल्ले दे विच, वह बसरके दीयां गलियां दे अंदर घुंगणियाँ वेच रहा है, वह अपने ते अपनी नानी दे गुजर वास्ते सब चीज़ां कर रहा है। आ देखो तुसी इस रूप दे विच। फिर मैं जिहड़ी बात कीती गुरु ग्रंथ साहिब विच आ जाओ, लोग कहिंदे आपां सारे बैठे हां ना इत्थे, देखो साडे असीं बहुत सारियां चीज़ां वसारी जा रहे हैं, माफ़ी मंगांगा मैं एक पल लगूँ मैनूं सिग्निफिकेशन समझिया जी। साडे घरां दे विच साज वजाउणा, साजां दी जानकारी होनी, संगीत दा राबता होना, ये बीइंग ए सिख लाजमी सीगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सारा राग सहित है, सारे इहदे विच कीर्तन की गल हो रही है। साडा सिखां दा बच्चा कीर्तन दे नाल पूरा प्रणाया हुंदा सीगा, अते रीसेंटली अंग्रेज़ां दे आउण तो बाद एक डिफरेंट किस्म दा लाइफ स्टाइल असीं अडोप्ट कर लिया, असीं इहो जिहे लाइफ स्टाइल चले गए जिहदे च असीं अपने आप नूं चिट कपड़िए बनन वास्ते ते अपने आप नूं जिहड़ा वड्डे सरदार ते जगीरदार ते दार जिहड़ा सारा कुछ, नहीं ते असीं सिरदार सी सारे, असीं गुरू नूं सिर सौंप के अपने जीवन दे विच गुरू दीयां कदरां कीमतां अपनाउण वाले सीगे। साढ़े वास्ते किरत करनी दुनिया का सब तो वड्डा सबाब हुंदा सीगा, साढ़े वास्ते गुरु के घर आ के भांडे मांजने जोड़े झाड़ने सेवा करनी ये सारा कुछ असीं नूं अहो भागी समझदे सीगे, कल्चर बदलिया सी गुरु साहब ने पूरा। हुण देखो की हालत बनी पी, असीं टोटली उस चीज़ तो ट्विस्ट करके दूजे पासे, टूक मात्र बयान कर लाँगा बात, तुसीं कदी इतिहास पढ़ के देखो। आप जी ने सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया का नाम जरूर सुनिया होना, सुल्तान उल कौम का खिताब सीगा उस शख्स दे कोल, उहदा सिर तो लैके पैर तक एक भी अंग ऐसा नहीं सीगा, एक उंगल भी देखते सी ना उंगल ते भी मल्टी कट लगे सीगे, इन्ने फट लगे सी, सारी उम्र जंगा ते युद्धां दे विच बतीत कीती। जदन वड्डा घल्लूकारा वापरिया कूपरहीड़े तो बरनाले तक के इलाके 30,000 तुहाडी कौम का बच्चे ते बजुर्ग इस्त्रियां उन्हां नूं कतल किया अबदाली ने, उन्हां दे विच जूझन वाले सूरमियां की जिहड़ी फ्रंट लाइन सी फ्रंटीयर दे विच उस शख्सियत दे विच जस्सा सिंह अहलूवालिया सीगे, जदों तक बरनाले दियां ओह टिब्बियां तक पहुँचे ना बहीर नूं बचा के, शरीर दे उत्ते 18 वड्डे ते पता नहीं कितने छोटे तरह के फट मौजूद सी, सारा जिहड़ा शरीर सीगा खून नाल गह गच होया सीगा, ऐसी हस्ती वैपन हैंडलिंग करदे सीगे, मतलब कहिंदे सीगे सरदार साहब तो शमशीर चलाउंदे ने, शमशीर ते की दिसनी हाथ नहीं सी दिसदा उन्हां दा, ऐसे जंगजू योधे उस रूप दे विच। खैर मां ने पालिया दिल्ली दे विच, इन्हां दी जबान दे विच दिल्ली दा रंग सीगा, हमको तुमको बहुत करदे हुंदे सी उस रूप विच, बहुत सारे किस्से ने साडे कोल वहीरां दे समें दे, ना मात्र बिनती करन लगा। होया कि मां दिल्ली दे विच इस बच्चे नूं पाल रही है, जिहड़ा पिता है वह डेफिनेटली आइदर वहीर विच चला गया या वह कितने जंग दे विच अपने आप नूं पहलां शहादत पा चुका है। जदों बच्चे की एक उम्र आई माँ को एहसास होया हुण इस बच्चे नूं तालीम की लोड़ आ, तालीम कि जिहड़ी कम्यूनिटी एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन के भी मल्टीपल लैवल ने, स्कूलों की पढ़ाई तुहानूं जे वाजिब बनाउंदी चंगे बनाउंदी तो अज साडे सिस्टम दे विच इन्नी ज़्यादा मैंटल हैल्थ खराब ना हुंदी,
मेरे कैनेडा का तो डाटा साढ़े को एग्जैक्टली नहीं है, मैं नॉर्थ अमेरिका का अमेरिका यूएस स्टेट्स का जोड़ा है डाटा है साढ़े को 62% मैडिकल प्रोफेसनल आर बर्न आउट, 62% मैडिकल प्रोफेसनल अपने काम के बर्न आउट हो चुके हैं। यह हालत है, तुम अंदाजा लाओ, तुम डॉक्टर को अपनी वैलबींग लभन जाते हो तो डॉक्टर आप बीमार हो चुका, तुम कहें नर्स मेरी केयर करेगी, नर्स की अपनी मैंटल हैल्थ खराब हो चुकी है, इतने की बनेगा। यह सारा क्योंकि जी तालीम आ सिर्फ एको चीज़ सिखाती है कि तुहाडा अर्निंग हैंड स्ट्रोंग हो जाए सो दैट यू कैन अर्न मोर, यू कैन स्पेंड मोर, क्योंकि यह सारा मॉडल इस किस्म का बनाया जिहड़ा असी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी दे विच वेखदे हैगे आ। हाँ, इस सारे का असी बदल लिया सकते हैं जे असी फाइनैशियल तो सोशल डेमोक्रेसी क्रिएट करिए, तो खैर ना मात्र जी बेनती कर लगा वा। सो इस सारी एजुकेशन के साड़ी अज की वबा निकल रही है, सारी बीमारी निकल रही है, ये सारा जिहड़ा परसन टू परसन हेट वध रहा इन्ना ज़्यादा, बंदा बंदे नूं कहिंदा आ इन्ना साड़ी टॉलरेंस घट गई है। मैं कहा हद हो गई, वर्ड ही नैगेटिव आ। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब की हुंदा बर्दाश्त, ताकत, बर्दाश्त करना, किन्नी देर करोगे किसी नूं बर्दाश्त। बंदा बंदे नूं बर्दाश्त ना करे, बंदा बंदे नूं प्यार करे, बंदा बंदे दी केयर करे, बंदा बंदे दा दारू बने। वी टोटली फॉरगेट हाउ टू लव ईच अदर, हाउ टू रिस्पैक्ट ईच अदर, हाउ टू केयर ईच अबाउट ईच अदर, दैट इज़ आवर इशू। इतों सारी की सारी समस्या कम्यूनिटी एजुकेशन ये होंगी जो असी एक कॉम्यूनल हारमोनी डिवेलप करते हो सारे रूप के जिहड़ी पुरखियां दी साडी विरासत की तालीम सीगी उहदे च पूरे रंग पए हुए सीगे, फिर उहदे नाल फिर जिहड़ी उसारी हुंदी सी उहनां दा परसोना, उहदी परसनैलिटी डिवेलप हुंदी सीगी, उहदे विचों फिर चीज़ां आमद विच लैके आउंदे सी। खैर ना मात्र बेनती करन लगा, होया इह मां नूं अहसास होया कि इस बच्चे दी हुण तालीम दा समां हो गया ते मैनूं इहनूं तालीम वास्ते इहदे वहीर अपने रूट्स नाल जाके जोड़ना चाहीदा। पर सोचिया बच्चे की उम्र छोटी है, वो हो सकता है वहीर वाले जो, क्योंकि मोस्टली सिख संगत जंगलों बेलिया च रहिंदियां सीगियां, मैं 18वीं सदी की गल कर रहा, तो क्या सोचा हो सकता वो बच्चे एक्सैप्ट ना कर। फिर की किया, माता सुंदरी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के महल सके, उन्होंने को सिफारशी चिट्ठी लै ले, जिथे कितने खालसा वहीर मिलया उन्होंने सिफारशी चिट्ठी दे के भी आ देखो माँ जी ने दिल्लियों मैनू आ चिट्ठी दी है, तो इस बच्चे तुसी वहीर का पार्ट बना लो, इनू एडमिशन दे दियो, इनू अपने नाल रख लवो। ये चिट्ठी लैके पंजाब आ गए, लभद्यां लभाउंद्यां वहीर का पता मिल गया। मैं तुहानू दस रहा, सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया सुल्तान उल कौम उहदी अपने खालसा वहीर विच आमद किवें हुंदी उस रूप दे विच, जदों उह लभद्यां लभद्यां वहीर लभ गया ते माँ बच्चे नूं लैके वहीर दे विच गई, ते उस वक्त जरनैल सीगे सरदार कपूर सिंह जी, जिहड़े नवाब कपूर सिंह जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ, वो कपूर सिंह जी जथेदार सीगे ते वहीर दे विच मौजूद सी। जदों गए माँ पुत जांदियां नूं महाराज का सरूप प्रकाशित होया सीगा, दीवान लगा सी ते कीर्तन हो रहा। अज कल ते यार वाजे वजदे ने, पुराने समय तंती साज हुंदे सीगे, तानपुरे वजदे हुंदे सीगे, दिलरुबे हुंदे सी, मृदंगा वजदियां सीगियां। सो मृदंगा ते तानपुरियां दे उत्ते कीर्तन हो रहा, तंती साज खड़क रहे ने, पूरे जिहड़ा कीर्तन दा पूरा जाहो जलाल फैलिया होया है। बच्चे दी एकदम चित विच आया, मैं भी एक शब्द ना गा लवां। उसने माँ नूं कहा, माँ एक शब्द मैं गा सकदा। कहिंदी पुत जथेदार जी नूं पुछो। वो माँ नूं नाल लैके जथेदार जी कोल आया, सरदार नवाब कपूर सिंह राव कोल, कि बड़े लोग जिहड़े ने संगत दे जी कीर्तन कर रहे ने जी, ये बच्चा भी चाहुंदा कीर्तन कर लवां। ते सरदार नवाब कपूर सिंह दे चेते च आया, कहन लगे लै दोवें माँ पुत जाओ, बैठो, जाओ स्टेज ते जाके करो कीर्तन। दोनों माँ पुतां नूं आके बिठाता, दोनों ने एक एक साज संभालिया, कीर्तन गाया। बच्चे ने साज इतने रंग च वजाया, कीर्तन इतने मतलब कह लो भिज के गाया, भाव च गाया। नवाब कपूर सिंह जी खड़े हो गए ते आके माँ दे कोल झोली करके एवें कहिंदे, कहिंदे माँ इन्ना प्यारा बच्चा है तेरे कोल, साडे वहीर नूं दे दे, साडी झोली च पा दे। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया ते माँ अंदरों चिट्ठी कढ के अपने पल्ले दे विचों कहिंदी, कहिंदी तुहाडी अमानत है, तुहानूं ही देण आई सां, मैं ते चिट्ठी लैके आई सी सिफारिश। इह है, इसनूं कहिंदे ने सॉफ्ट मोटर स्किल्स, आ जिहड़ियां साडियां ने। अज साडी थोड़ी बहुती हैल्थ ठीक है, अजे तक उहदे दो रीज़न ने, एक ते असीं जो टाइपिंग करदे हां कंप्यूटर दे उत्ते उहदे करके सॉफ्ट मोटर स्किल दे विच एबिलिटी है, दूसरा जिहड़े बच्चे वीडियो गेम्स वगैरह प्ले करदे ने इह एक लैवल तो वध के एडिक्शन डिवेलप हुंदी उहदे करके माड़ी है, दूसरे नंबर दे उत्ते इह टाइम वेस्ट विच बहुत करदी है उहदे करके। अदरवाइज़ सॉफ्ट मोटर स्किल्स वास्ते सब तो बेस्ट है। जे दो चीज़ां ना होण, मैंटल हैल्थ तो होर क्राइसिस च आ जाए,
क्योंकि जो सॉफ्ट मोटर स्किल्स ने यह साड़ी परसनैलिटी वास्ते साडे पूरे कैलीबर की डिवेलपमेंट्स वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुसी देखो मापे कई बार ध्यान नहीं देंदे, दो साल का बच्चा आ उसनू स्मार्ट डिवाइस दे देंदे इस तरीके नाल। हुण स्मार्ट डिवाइस हाथ च फटदा कोई आईपैड कोई आई उन्हें टैबलेट वगैरह फड़ी है वो एवें हाथ लाउंदा उहदे च कई दर्जना रंग बदल जांदे, बच्चा कहिंदा वाओ दैट्स रियली कूल, वो दूजी उंगल मारदा तीजी। उस बच्चे नू तुसी बाद दे विच कहिंदे तू उहना क्रेयोन फड़ हाथ दे विच ते क्रेयोन दे नाल लाइन मार, वो क्रेयोन फड़ के लाइन मारदा पेपर तो कहिंदा सो बोरिंग आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। हालांकि जिहड़ा क्रेयोन फड़ना आ जिहड़ी उन्हें कलम फड़नी है जिहड़ा उन्हें पेन फड़ना है पेंसिल फड़नी उहदे नाल दी सॉफ्ट मोटर स्किल्स डिवेलप होनी है। जिन्हां हत्थां ने वैपन हैंडलिंग करनी है जदों पहलां साजां ते चलदे उस रूप दे विच उन्हां दी जिहड़ी खास करके सॉफ्ट मोटर स्किल्स ने इतनियां कमाल दियां डिवेलप हो जांदियां, उन्हें इतनी मतलब कमाल दी उन्हां दी एबिलिटी डिवेलप हुंदी जिहदे बेसिस दे उत्ते वो फिर सारी आने वाले समय च अपना सारा योगदान पाउंदे। मैं नाम मात्र दी बेनती कर रहा साडे घर कीर्तन रब्बी कीर्ति साज सजिंदे साज वजाउण दी रागां दी इहदी किन्नी अहमियत है। हुण बात कर रहा मैं गुरु रामदास महाराज साहब दी जिन्हां ने चौथी पातशाही के रूप में अपना जीवन बतीत किया। मैं बात कर रहा सी तुहाडे नाल कि जिस समय दे स्कूल जाना है साज सीखने संगीत सीखना है उस सारे समय दे विच ए बाल बालड़ा बसरके दियां गलियां दे विच घुंगड़ियां वेच रहा है। ऐ नहीं कमाल, देखो इत्थों इहदा जीवन बतीत हो रहा है। खैर कुदरत अपने रंग विखाउंदी है। गुरु अमरदास महाराज गुरु अंगद साहब के ग्रह विखे आए, उन्होंने आके सेवा निभाई, अल्टीमेटली तीसरे पातशाह गुरु अमरदास रूप दे विच उह गद्दी आसीन होए। इस बाल दे नाल उन्हां दी नगर तो प्रीत बन गई क्योंकि बसरका गुरु अमरदास साहब का अपना नगर सीगा। जदों महाराज ने गोइंदवाल आमद लई गोइंदवाल नगर का वसेबा शुरू किया तो इस बच्चे नूं फिर इत्थे बुला लिया गया। इत्थे आके फिर इहदी इक नवें सिरे तो हुण इहदी कह लो प्रॉपर वे नाल अपब्रिंगिंग होण लगी है। मैं अज वी बेनती करदा बहुत साडे कोल डेरे ने बाबे डेरे चलाउंदे ने बहुत कुछ चलाउंदे ने, ऐसी ऐसी जवानी जिहड़ी जिंदगी दे बड़े वड्डे मुहाज बदल सकती है इन्हां डेरियां ते मैं रुलदी वेखी है। उन्हां दी हालत ऐसी कि जिन्हां नूं विचारां नूं कुछ भी सिखण सिखाउण नूं नहीं। इत्थे देखो मैं सवेर समय छोटी जी बेनती की सी, बहुत सारे रंग ने जिहड़े गुरु रामदास महाराज दे जीवन नूं विचारदिआं तुसीं बहुत सारियां चीज़ां नूं देख सकदे हो। तुहाडे नैणां दे तिमर दूर हो जाणगे, जिन सतगुर सिमरंथ नैण ते तिमर मिटै खिन, तुहाडे खिन च तिमर अखां तों हट जाणगे। दो तीन मिसालां तुहाडे सामने रखण लगा मैं। मैं सवेरे बेनती कर रहा सीगा जदों गुरु अमरदास साहब ने गोइंदवाल नगर वसाया ना, गोइंदे मरवाहे की जमीन सी उस जमीन ते नगर उसारिया सी। ए ब्यास दरिया के नेड़े पैंदा सी इलाका, मोस्टली इत्थे दब हुंदी सी काने हुंदे सी। ते अकबर एक ऐसा बादशाह है भारतीय इतिहास दे विच जिहड़ी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई पर उसने सारे भारतीय खिते नूं पैदल तुर के वेख्या है। जदों इहदा बाप हमायूं जलाए वतन हो गया ना ईरान चला गया जदों इत्थे शेर शाह सूरी तो हार गया तो फिर ये छोटा सीगा इहनूं नाल नहीं लैके गया। इत्थे सूफी फकीर सीगा रहीम, तुसीं उहदे दोहे पढ़दे हो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुरै जुरै गांठ पर जाए से, दोहे पढ़े होणगे जे थोड़ी बहुत तुसीं थोड़ी भाषा पढ़ी है खास करके हिंदी उहदे विच इहनां दा जिक्र आउंदा। ये रहीम सीगा, इस रहीम कोल छड्ड गया। रहीम ने इहदी फिर तालीम कीती अपने तौर पर। ये अकबर ने कोई भी ऐसा खिता नहीं सीगा भारती जिहड़ा साउथ एशिया का जिहड़ा इन्हें आप तुर के ना वेख्या होए, एक एक इलाके तो वाकफ सी बड़ी चंगी तरह। होया एक दिन कि ये दरिया ब्यास क्रॉस कर रहा गोइंदवाल के नेड़े पत्तण तो, जदों क्रॉस कर रहा जदों पूरी फौज अमले फैले नाल लंघ रहा है तो ये गोइंदवाल नगर वेखदा वसदा होया, एड्डी वड्डी बस्ती वस रही है तो ये अपने दीवान टोडर मल नूं बुला के कहिंदा दीवान साहब आ नगर तुसीं कदों वसाया, बड़े कमाल की बस्ती वसा रहे हो, बड़ी वड्डी कलोनी बन गई है इस रूप दे विच। ते दीवान टोडर मल ना च सिर हिला के कहिंदा ना बादशाह सलामत मैं तुहानूं झूठ नहीं बोलांगा, ये नगर असीं नहीं वसाया, ये साडा नगर नहीं गा। अकबर का मत्था खणकिया, कहन लगा बादशाह हिंद मैं हाँ, मैं इतों का रूलर हाँ, मैं राज करदा, मेरे नक् दे थले कोई एडा नगर वस गया मैनू पता भी नहीं। कहन लगे टोडर मल नूं कहिंदा दीवान साहब ये किन्ने वसाया है, कहन लगा जी जान नानक का तीसरा जानशीन है ना है अमरदास गुरु अमरदास साहब, कहिंदा है ये उहदी उम्मत है वह वसा रहे ने नगर। अकबर कहिंदा चलो ठीक है मिल के चलदे हां। हाथी ते बैठा होया अकबर अपने पूरे अमले फैले दे नाल गोइंदवाल नूं मूँह मोड़ लैंदा। जदों मोड़दा इत्थे उहदे सिपे सलार आखिरकार बाद हिंदुस्तान का बादशाह आ रहा, कहो जी जिल लाही उन्हों कहिंदे सीगे, आवाजां पै रहीआं धौंसे वज रहे पूरी पूरा खड़काट। अज दे तुसीं लीडर देखो ना किवें मतलब डेमोक्रेसी च तो वो तो है ही
सीधे रूप के जिहड़ा सीगा सिंगल रूलर हुंदा सीगा बादशाह हुंदा सी अपने आप दे विच सो उहदे अमला फैले दे बंदे भज्जे तुरे आउंदे ने आके जिथे गुरुद्वारा बौली साहब बणिया अजकल इत्थे गुरु महाराज की धर्मसाल हुंदी सीगी ते आके सिखां सेवकां नूं दस्सिया कहण लगा बादशाह हिंद आ रिहा तैयारी करो कारपेटां बिछाओ जिवें आउंदा वी तैयारी करो सारे दी सारी इस रूप दे विच ओह कहिंदे इन्ने तुसीं जिहड़ा चिर उत्साहित ना हो इन्ने काले ना पवो जिन्हों मिलने वास्ते आ रहा कोई वो आम शख्सियत नहीं गी वो गुरु अमरदास साहब ने उन्हों का अपना क्राइटीरिया एक उन्हों की एक अपनी डिसिपलिनरी मैजर्स ने उन्हों का हुक्म है जिहड़ा कोई सानू मिलने वास्ते आवे पहला संग पंगत फिर संगत उस तो गुरु अमरदास साहब का हुक्म सीगा पहला एक सफ विच बैठ के लंगर छकना है फिर संगत होनी उस रूप दे विच क्यों क्योंकि जात पात की भिट नू तोड़ रहे से गुरु साहब लोग सच दियां गल्लां सुन लेंदे उपदेश सुन लेंदे थोड़ा बहुता तो फिर अपनी जीवन की प्रैक्टिस एज इट इज ही करी जाते कोई कहते भांडे च पानी पा के पी लेंदा कहिंदे भांडा पिटेगा दूर चलो एक कोई हाथ लांदा कहिंदे ना 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 सुच पिट दा छूत अछूत दा इन्ना वड्डा मसायल एड्डी वड्डी समस्या आप एहसास करोगे तुसीं बंबई जांदे हो खालसा कॉलेज बनिया उत्थे किस जमाने दे विच जदों उत्थे सिखां दी नफरी मेरे ख्याल दे विच कह लो कि 0.001% भी नहीं होनी ये कदों बनिया जदों डॉक्टर अंबेडकर पंजाब आया इत्थे आके उन्हें स्पीच दी लाहौर दे विच उन्हें कहा सानू तुहाडी लोड़ है असीं एक उम्मत दे रूप में उसरना चाहुंदे हां पर तां उसर सकदे हां जे कितें साडे कोल एजुकेशन अदारे होण इस रूपे दीआं बातां होण इत्थे सिख कम्यूनिटी ने वड्डा सरमाया जिहड़ा इकट्ठा कीता जाके उत्थे खालसा कॉलेज बना दिता जाके मतलब इस रूप में बात वह हैरान होया कि जात पात का मसला नो डाउट सोशल स्ट्रक्चर के अंग्रेजा की आमद तो बाद जात पात का मसला वड्डे पद्धर से उभरिया पर जो तुम खालसा ही रंग पिछे परतौंदे हो ना तो तुहानू इहदी बिल्कुल एक लेश मात्र भी थान नहीं मिलती तुम सरदार फूला सिंह जी जानते हो अकाली फूला सिंह जी जे तुम जात पात के मसले च आ जाओ ना तो तुहानू पता लग गया ब्राह्मणी वंड मुताबिक ब्राह्मण के क्राइटीरिए मुताबिक साढ़े मुताबिक नहीं हालांकि असं कई बार लफज यूज कर लिया मजहबी सिख ये सिख सिख ही हुंदा वो कोई होर नहीं हुंदा मजहबी सिख वो जिन्होंने कहिंदे कि ये जिहड़े अछूत ने उस बरादरी नाल संबंध कहिंदा ब्राह्मण उहदा ते साडे घर च रुतबा देखो उहदा जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह कोई गलती करदा वो हुक्मनामा जारी कर दे महाराजा रणजीत सिंह अपने बैडरूम दे विच्चों बाहर निकलदा सामने उहदा चौबदार खड़ा है पहरेदार ते अक्सर हुंदा जदों बाहर निकलदा ते चौबदार फतेह बुलाउंदा महाराजा साहब नूं ते अज महाराजा साहब नूं कोई फतेह नहीं बुलाई महाराज साहब ने देखा कमाल है मेरा चौबदार मैनू फतेह नहीं बुला रहा महाराज साहब कहते कोई ना भुल गया हुण महाराज साहब कहते चौबदार फतेह बुला के चौबदार ने जवाब नहीं दिता वो कहते कमाल हो गई कहते तू बोला हो गया मैं फतेह बुला रहा तेनू तू फतेह का जवाब नहीं दिता कह लगे जी तुहाडे नाल साडी फतेह की कोई सांझ नहीं गई वो कहता कमाल है फतेह की क्यों सांझ नहीं तुहाडे नाल कह लगे पंथ का हुक्म आ गया साडे जथेदार अकाली फूला सिंह ने कहा तेरे नाल साडी कोई सांझ नहीं गई महाराजा रणजीत सिंह कन्न खड़े हुए कहिंदा ये हुंदा सी सोशल बायकाट ये सी पंथ की खासियत उस रूप दे विच इतों फिर आ गए उत्थे कहन लगे जी तैनू सज़ा मिलेगी कहन लगा जी मैं सज़ा लैन लई तैयार हाँ ये भी महाराजे की खासियत सीगी पर सज़ा दे कौन कहिंदे जी कोई नहीं दे सकता अकाली जी ने कोड़े लाए सीगे रुतबा देखो किड्डा वड्डा समाज ही बदल गया सारे का सारा जी ये तो फिर अंग्रेज़ आया क्योंकि अंग्रेज़ नू बंगाली जिहड़े रेडी करके लिया सी सारे कासे वास्ते तो जिहड़ा बंगाल तो सारा स्ट्रक्चर सीगा वर्ण आश्रम का जात पात दा नाल लैके आए बकायदा तौर पर जॉब अपलाई करन दे नाल जात लिखी जाती सी वो जात की जॉब ही उन्हें मिलेगी जे भार चुकन वाली जॉब जॉब या कुली की जॉब इनू मिलनी है सफाई की जॉब इनू मिलनी है खेती की जॉब इस रूप में दोबारा पूरा क्राइटीरिया फिट हो गया अंग्रेज़ की आमद के नाल अदरवाइज कास्ट सिस्टम टोटली जिहड़ा एलीमीनेट करने वाले पासे बात चली गई सी खैर बात लंबी हो जाएगी ना मात्र बयान करा गुरु अमरदास साहब ने कहा सी ये चक देनी पिट कोई इस रूप दे विच नहीं इको जगह ते बैठ के सारे इको सफ दे विच लंगर छकिया करनगे उस जमाने दे विच पहला पंगत फिर संगत ये ऑर्डर सी सारियां वास्ते अकबर आ गया उहदे सिपे सलार आए कहन लगे बादशाह हिंद आया तुसीं जी आया को सत्कार करो बुलाओ गुरु अपने गुरु अमरदास साहब नूं जी आया कहन कहन लगे जी जिसनों तुसी अमर गुरु अमरदास साहब कह रहे हो सतगुरु ने साडे उन्हां दा हुक्म सरोपरी है उन्हां दे हुक्म तो बिना कोई अंदर बंदा हुक्म हदूली करके नहीं जा सकता मसला काफ़ी देर उलझिया रहा अकबर हाथी ते सवार सीगा अकबर नूं अहसास होया कि हुण तक ते पालकी नूं पौड़ी लग जानी चाहिए सी उतरना चाहिए सी मैनूं उन्हें अपने सिपाहियां सिपे सलारां नूं बुलाया कहने की माजरा है क्यों नहीं मुलाकात का इंतजाम होया की होया कहन लगे जी गल यह है वह जिद ते अड़े ने वह कहिंदे ने इहनूं तैनूं थले उतरना पैणा बादशाह नूं पंगत च बहना पैना यह सारी बात होनी ये बड़ा कजाक बादशाह सीगा अकबर अपने आप बहुत दुनी मतलब भारतीय खिते दे विच सब तो वड्डे इलाके ते सब तो लंबा समा ते सब तो वध रसूख दे विच जिस बंदे ने रूलिंग की है वह अकबर है
इस करके अकबर का ग्रेट जिहड़े ने हिस्टोरीयंस लिखते भी इस किस्म का बादशाह सीगा। एक कहिंदा गल ही कुछ नहीं है, पौड़ी लाओ मैं थले उतरदा, उतर गया थले, कहने किस पंगत च बैठना। पहली बारी होया बादशाह हिंद जिहड़ा आम विच रहण वाला, जिहड़ा खास विच रहण वाला बंदा सीगा, वो आम लोगों नाल बैठ गया। आमो खास सिख कर दिते गए, ये लंगरां च बैठ के प्रशादा छकदा है, तो छक के गुरु अमरदास महाराज कोल जांदा है, तो जाके कहिंदा है, कहिंदा है प्रशादा छक के सारा वेखदा, पर आखिरकार है तो बादशाह सी ना। कहन लगा जी गल ये है, इन्हां लंगरां दा खर्चा बहुत होना है, तो इन्हें खर्चे नूं तुसीं किवें मैनेज करदे होवोगे। मैं कम करदा लंगरां दे नाल पक्की जगीर ला दिंदा ताकि उत्थों इनकम आउंदी रहेगी, लंगर हमेशा चलते रहणगे। कहिंदे ने चार तरीके ने किसी नूं मारन दे, साम दाम दंड भेद। सब तो पहला तरीका जिहड़ा है वह है साम। साम कहिंदे खुशामद, मतलब किसी नूं वड्या के उहदे कोलों उहनूं अपनी मर्जी विच मर्ज कर लेना। इहदे नाल जे दाम थोड़ा जिहा लालच दे दिओ तो होर वधिया, लोड़ ही नहीं दंड ते भेद रखण दी। बाबा अमरदास महाराज नूं इहने शाम खुशामद दी बात कीती, दाम नाल ही दे दिता, सोचिया लो जगीर दा पटा कट देना ते जगीर लगा देना लंगरां दे ना, हमेशा लंगर चलते रहणगे। बाबा अमरदास साहब ने कहा बादशाह सलामत, अपनी जगीर दा पटा अपनी झोली च पाला है, सानू तेरी जगीर दी लोड़ नहीं, असी विलणा दी जमात नहीं खड़ी करन लगे जिहड़ी जगीरां तो इनकम आउण ते लंगर चकेगी, असी ओह उम्मत पैदा कर रहे हां जिहड़ी दुनिया ते किते वी जाएगी लंगर लाएगी, ये लंगरां नूं पैदा करेगी, ये दुनिया भर दे विच लंगर वरताए करेगी। ये गुरु अमरदास महाराज का विजन, आप एहसास करो ये वो ना, ये दात या दाते दी सानू होया कि। अकबर बड़ा हैरान होया, कहन लगा जी कमाल हो गई, अखीर फिर आखिरकार उन्हें पता लगा भी इत्थे गल नहीं चलनी। फिर बड़ा हलीमी च आया, तो हलीमी च आके कहिंदा, कहिंदा देखो जी मैं भी बादशाह हाँ, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी कोई माण मनोवर है, लोगों ने कहना है गुरु को गया सीगा, प्रशादा भी छक आया, गुरु दे नाल सांझ करन दी कोशिश कीती, ते गुरु ने इसनू अपने पल्ले नहीं बन्निया, गुरु ने दी भेटा भी नहीं स्वीकारी, आखिरकार कुछ तो मैनू हुक्म करो ताकि मैं कुछ भेटा दे सकां। ते बाबा अमरदास ने कहा सी फिर बादशाह हिंद आ, फिर बादशाहां दी तरह भेटा दे एवें नहीं। कहन लगा जी दसो जिहड़ी तुसीं चाहोगे वह भेटा दे देंगे। बाबा अमरदास साहब ने कहा फिर तेरे तो तवक्को ही करदे आ, तू बादशाह हिंद है ना, तो फिर एक कानून बना। जो तुम यूरोपियन हिस्टोरीयंस पढ़ते हो ना, तो यूरोपियन हिस्टोरीयंस कहिंदे ने पूरे भारतीय खिते दे विच जे किसी नूं सोशल रिफॉर्मर के तौर पर नंबर एक ते गिणिया जाना चाहिए वह गुरु अमरदास साहब ने। बाबा अमरदास साहब ने कहा जे बादशाह है तो कुछ करना चाहना फिर आ कम कर, सब तो नपाणी नताणी लताड़ी हुई धिर इसत्री औरत जिदा पति मर जाता उन्हूं ज्यौंदी नूं चक के चिखा च सट दिता जाता, सती कर दिता जाता, ये खिलाफ कानून बना। ये पहली बारी आवाज़ उठी इस खिते दे विच। अज असी बड़िया फैमिनिन वैल्यूज़ दियां गल्लां करदे हां, देखो तुसी गुरुआं दा रुतबा किड्डा डिग रहा है। बात हुई है बाबा अमरदास साहब ने कहा दे खिलाफ कानून बना, कहन लगा जी सिर मत्थे तुहाडा हुक्म, ये पक्का कानून असी बनावांगे सती दे खिलाफ, सती इस रूप विच नहीं होएगी। अकबर इत्थों लाहौर चला गया, जांदे इसने काजी बुलाए अपने, क्योंकि जिहड़ा जुडिशरी सिस्टम सीगा एक काजी सारा हैंडल करते सीगे, उन्होंने कोल सारी जुडिशरी सीगी, उन्होंने कहा गया इस सती के खिलाफ कानून बनाओ। आप चला गया कश्मीर, कश्मीर तो वापस आया तो आके अपने काजी उल कजा समेत पूरा डिपार्टमेंट जिहड़ा जस्टिस डिपार्टमेंट कह लो उन्हें बुलाया, तो उन्होंने कहा वो तुहाडा रेडी है सारा जिहड़ा खास करके कानून का तुहानू खरड़ा कहा सी बनाउण वास्ते, वो सारे का सारा लियाओ तो उहदे उत्ते आपां मोहर लाइए तो कानून पास करिए। काजियां ने हथ बन के बेनती यह की, कहन लगे जी गल है बादशाह सलामत, ये क्योंकि सनातनी धारा नाल हिंदकी धारा नाल जुड़े हुए लोगों का मसला समाज का, तो उस तरीके नाल कानून नू किवें शेप देनी है। देखो अज चलो असी ऑनलाइन सारी बात जा रही है, तुसी सुन रहे हो, जदों ना 2009 दे नेड़े आनंद मैरिज एक्ट की गल चली सी, क्योंकि 1909 का पहला बनिया अंग्रेजों के समय का 47 आ गया, फिर वो सेम इको लै आता, फिर दोबारा बात आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर सीगा, साडा सलमान खुर्शीद ला मिनिस्टर सीगा, तो उदों कुछ इस किस्म की बात चली, फिर आखिरकार कुछ बात हुई भी चलो एटलीस्ट उस एक्ट के उत्ते ना ही लिख दियो आनंद मैरिज एक्ट, भी सिखां दी मैरिज जिहड़ा विआह हुंदा इस तरीके नाल, इह सिखां दे ही वकैबलरी दे नाल भी आनंद मैरिज एक्ट के अंदर आनंद होया उस रूप च रजिस्टर हो जाए, ना कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर होए। इहदी बात होई, मैं बंगला साहब कथा करदा सी, उस तो कुछ दिन बाद जाके मैनूं इक बहुत नामवर दिल्ली का लॉयर मिलने वास्ते आया, तो खूब साडियां गल्लां होईयां उस रूप दे विच, ते उह कहिंदा कहिंदा भाई साहब हालत की है, जदों इह सारी गल हुई सलमान खुर्शीद ने बकायदा तौर पर साड़ी कुछ लीडरशिप नूं कहा भी तुसीं इह ला पास करवाउणा आ ना, तो लियाओ
ला ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬਿਠਾਈ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖੈਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕੀ ਜਾਏ ਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ